Hi Varies, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribed to my channel, clicked on notification bell so you don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram or vlog channel. Please subscribe. Description box mein hogi. Namaste, this is Dvija. Aur kaise hai aap? This is your sunshine in human form. Aur hum dekh rahe worst Indian street food again. I love the parts. दही फैंटा विद महेश. सो लेट्स गो, लेट्स गेट. हर बार की तरह उम्मीद है वीडियो छाएगा रहेगा और मजा आएगा. फॉर श्योर ये सब होने ही वाला है. बट व्हाट हैपेंड टू माय ईयर? ओके बाय. दही फैंटा. Coke float is understandable. Fanta float is understandable with ice cream. Dahi ke saath? I don't know. Main soda peeti nahi hu, so I don't know. But play. Borivali's famous Italian sev puri. Italian? Kya dalte ho uske andar? Pasta? Why is he looking like a mango today? Allergy. पहला वीडियो है तो अभी मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन ओके. ओह माय गॉड, प्लेट जल गया है भाई. प्लेट में आग लग गया है. क्या कर रहे हो? प्लेट में आग लग गया. प्लेट तो अच्छी यूज करो. हाउ इज दिस इटालियन? क्या होता है इटली में? सेव पूरी खाते है कोई? नहीं ना, तो उसको नाम इटालियन क्यों दे रहे हो? मेरे को समझ नहीं रहा है. चीज डाल दो, जला दो, इटालियन हो गया. मक्खियां डाल दो, बांग्लादेशी हो गया. सूरती खमन. ओके ऑफ कोर्स. बारबेक्यू खमण. खमण टिक्का. सूरत में जाना पड़ेगा मुझे खाने के. जस्ट फॉर अ डे इन सूरत फॉर फूड. टेल मी, यू हैव टू सब्सक्राइब. हेजिटेट करने का नाम ही नहीं ले रहे. नाम बंद नहीं लेता तो मैं तो भाई रुको थोड़ा. मैं ब्लॉग चैनल को तो हम करेंगे ऐसा कुछ. सिर्फ सूरत जाते हैं खाने के लिए. नहीं खमण एमन तो शायद लगे, बट आई डोंट नो. सिर्फ चार खमण के साथ ये सब चीज का ये बनाता है क्या कबाब? लेकिन आगे जाने से पहले आज के स्पॉन्सर के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म भरना होगा. अरे झटके वाली भेल बवई बिकता है आजकल सैडली. ये अफगानिस्तान के प्याज, मंगल ग्रह के टमाटर, नेपच्यून प्लूटो की ग्रास, ये हिमाचल के लड्डू, इसके बाद ये मीठी मीठी कश्मीर की बूंदी है. कुछ बूंदी नहीं है भाई. क्या बूंदी है वो? बूंदी कश्मीर की होती है. कश्मीर की बूंदी इधर से ले क्या? बाजू के दुकान से. बादाम, काचा बादाम, जापान के चपटे चपटे अखरोट. हमारा ये ओरिजिनल वाला बराक ओबामा जी घर का मसाला जो मिशेल भाभी खुद बनाती बराक भैया फूट फूट के. अच्छा आज अंकल जोक कर. अब मुझे समझा अंकल जोक कर रहा है जब उसने बोला बराक ओबामा के घर की चाट. बराक भैया को ये खिलाए. चॉकलेट पाउडर खा. 60,000 रुपए की ओरिजिनल चांदी कटोरी. ऑरेंज ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है. शहद को खाकर आज से आप और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. इस पर डालते हैं इंदौरी केसर, नशीली पत्तियां, 440 नशीली पत्तियां. मिनट तक आराम आराम से खाते हैं. नहीं पीते हैं. दिया जाता है आपको एक सर्टिफिकेट और एक गोल्ड मेडल और कहा जाता है कि आप हैं मिर्ची महाराजा. अंकल जी ये बिना ड्रामे के बेचोगे तो और मजा आएगा. नहीं खरीदेंगे कोई. आई थिंक इसमें मिर्ची इतनी डाली है ना इसके लिए और कुछ नहीं. लेट्स सी. जलेगा पीछे से और क्या. आगे से भी चल सकता है. लेटर ऑन पेट भी जल सकता है. सच में बहुत तीखा खाते हो ना. 110% ये चैलेंज लेना चाहिए. आई विल डू इट. काम नहीं है लाइफ में. मेरे को बताओ ना. मेरे को ना अगर मैं तीखा खाता भी हूँ तो मेरे को लाइफ में कोई काम धंधा नहीं है क्या? मैं कोई तीखा भेलपूरी खा. नहीं मुझे नहीं है. आई कैन गो. जो उसको समझ रहा है कि अरे काम नहीं है, काम करता मैं जा सकती हूँ. भेलपूरी बनाते हो तीखा वाला चैलेंज करते हैं. मैं उधर जाके खाता हूँ कुछ करते. विल यू गिव मी मनी? रोज आते हैं इस उम्मीद पे. आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं. कुछ तो करो.
कोई दुकान वाला कुछ चैलेंज दे रहा है टीका खाने का, चल लिए पैसे दे, गिविंग सम खाने के लिए। हां यार पैसे दो तो हम करेंगे। इंडियन स्ट्रीट फूड वेंडर कुक्स ऑमलेट यूजिंग एनर्जी ड्रिंक। करो इंडिया का नाम खराब बाहर। ये वीडियो तुम्हारे लिए बनाया था मेन चैनल पे। करो इंडिया का नाम खराब बाहर। पीछे देखो एनर्जी ड्रिंक लेके खड़ा है मुंह में। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रन लो वहां से सीधा। ये तो वो है ना जो स्टिंग में अंडा डाल रहा है। स्टिंग एकदम कफ सिरप जैसे टेस्ट करती है, बहुत खराब। और इसमें ऑमलेट तो कितनी खराब लगेगी, ऑलरेडी लग रही है खराब। नॉट एवरीथिंग पिंक इज गुड, आई हैव रियलाइज दैट टुडे। क्या बनाया भाई? ऑमलेट, बारबेक्यू ऑमलेट। कैमरा के थ्रू जज कर रहा हूँ मैं तुम लोग जो भी खाते हो ना। फर्स्ट टाइम इन सूरत, ये ऑफ कोर्स नॉट फर्स्ट टाइम। अपने चॉकलेट और लोचो दोनों अलग अलग खाए होंगे। अरे चॉकलेट लोचो खत्म, थैंक यू लाइफ। सही सुना, ये है सूरत का सबसे टेस्टी चॉकलेट लोचो जो आपको मिलेगा वेसो एरिया में। हम जा रहे हैं सूरत से खाने के लिए। आई रियली एक तो तुम लोचा पर चीज चीज डाल। थक गया मैं, छोड़ो अभी। दो साल से बोल रहा हूँ नहीं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करो, एनर्जी वेस्ट करो, है कि नहीं? है कि नहीं? मैं क्यों अपना एनर्जी वेस्ट करूँ? दो साल से बोल रहा हूँ बंद करो ये चीज। फटाफट से लोकेशन के लिए कमेंट करो एंड शेयर इट विद ऑल योर चॉकलेट एंड लोचो लवर फ्रेंड्स। आई डोंट लाइक लोचो दो। ગુજરાતની પબ્લિક માટે છે ને ઓપન કે તમે તમારી લાઈફ માં ક્યારે છે ને કાઠિયાવાડી જલેબીની સબ્જી ક્યારે ટ્રાય નહી કર્યું હોય? કાઠિયાવાડી લોકોએ ભી નહી કર્યું હોય હું ઇન્ડિયા ફરસો ને તો પણ તમને ક્યાંય ખાવા અને જોવા નહીં મળે કે અરે નથી જોતી ભાઈ, નથી ખાવી, પૂરે ઇન્ડિયા મે કહી નહીં મિલેગી, હર આદમી કા યહી ક્લેમ હે। અરે કોઈ બેચના નહીં ચાહતા ભાઈ, કેમ કે આ સબ્જી બનાવવાનો આઈડિયા છે ને આપણે ગુજરાતીને જ આવી શકે, કેમ કે આ સબ્જી એટલી યુનિક છે ને, કેમ કે એકવાર ટેસ્ટ કર્યા પછી છે ને તમને ઘડે પડે ખાવાનું મન થયા રાખશે। સિંગદાણે કે સબ્જી મે ડાલ દિયા છે ને, આમાં પણ એક કન્ડિશન છે કે તમારે રીતના છે ને તમારે ત્યાં જલેબી લઈ જવી પડશે અને જે ક્વોન્ટિટી માં કેસો એ ક્વોન્ટિટી માં તમને ત્યાં સબ્જી બનાવી આપશે। અને મિત્રો ટેસ્ટ જલેબી અમે લઈએ એમ, આમના જેવો કાઠિયાવાડી ટેસ્ટ તમે આખું ઇન્ડિયા ફૂડ ટેસ્ટી તો હોગા યે, બીકોઝ ઓફકોર્સ જલેબી હે, ચાસણી હે, શુગર હે, અચ્છા તો લગેગા હી। આઈ એમ નોટ અ બિગ જલેબી ફેન, સો આઈ એમ નોટ ઓકે વિથ ધીસ। લોકેશન ની વાત કરું ને તો હું ડિસ્પ્લે ઉપર મેન્શન કરી આપીશ। નિકોલ ગુજરાતી લોગ પીછે નહીં રહે ભાઈ, નજદીક યહાં થોડા દૂર હે લેકિન યહાં પે હી પે હે। અચ્છા ખાના ખિલાતે હમ તો ખરાબ ભી ખિલાના જાનતે, ખાઓ। અલી દિમાગ શૈતાન કા દિમાગ હોતા હી કહેવત તો આકા કાય હાચી કર નાખી। બટ સાચી સાચી વાત, તમે મસાલા વાળી ચા પી દીઈ છે, તમે સ્પેશિયલ મલાઈ વાળી ચા પી દીઈ છે, પણ કાકાએ બનાવી નાખી સ્પેશિયલ બટર અને ચીઝ વાળી ચા। ચીઝ વાળી ચા સિરિયસલી અંકલ ને ઘી છાસ બના દી, બટર ને ચીઝ, તો બટર ચીઝ વાળી ચાય લ્યો ભોગવું હવે, ચામાઈ ભોગવું હવે, ચીઝ નાખી ને એલા ભાયા, એકાદ તો કીડા બી ઘૂસ ગયા ભાયા, જોઈને તો મારી ફાટેલી જ રહી ગઈ આખો। શું તમને આ કાકા તમારા ઘરે મફત માં ચા પાવા માટે આવે તો ના પીએ હવે, મફત માં આપણ તો કરી દેજો મારા વાલીડાઓ। ક્યાં જ્યાદા ઇરિટેટિંગ થા ઉસકા નરેશન યા અંકલ કી ચાય, કોઈ મેરે કો પાસ ઇસ કાઠિયાવાડી ઉસ નહીં કાઠિયાવાડી, સબ ગુજરાતી હે, સબ ગુજરાતી હે। I am not Kathiyawadi, so I understood, but I still understood that language. Like Gujarati hai, like Kathiyawadi Gujarati. Surat wale Ahmedabad mein bhi macha rahe full. My neighbor is Surat ke. Cheese pao. He makes very good omelets and everything, like. मैगी भी डाल दे थोड़ा पाव में, बहुत देखे ला भाई मैंने जिंदगी में ये सब। तुम लोगों को लग रहा है अभी अभी कर रहा हूँ, बहुत टाइम से कर रहा हूँ, मेरे को भी रियलाइज हो रहा है। पार्ट 33 नहीं रियली ओनली। ये तो अच्छी लगती है चिप्स इन अ सैंडविच, आई हैव ट्राइड। बाकी भागो भागो भैया, क्या बना रहे हो? चॉकलेट वाले को आलू आए, क्रीम आई, ये ऊपर आ गई चॉकलेट, आलू ये फिर क्रीम। सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा सा हाइजीन वाला आदमी हो गया हूँ अभी, ओके। आई लव हाइजीन, चलेगा चॉकलेट, ये अच्छा नहीं है, खाता हूँ मैं हाइजीन के साथ खाता हूँ, ओके। ट्रेन योर स्टमक टू ईट एवरीथिंग आराम से एट सम पॉइंट। करो पूरी पे फट 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 के दे रहे, चेरी साथ में चेरी, ये ऊपर कांदो की कितने का भैया? ये कांदो किचन ही खाने का है, ओके। लाइक पूरी सुपरस्टार, पर पनीर क्यों डाला? दिस इज बांग्लादेश। ये बंद हो गई लाइट, बांग्लादेश भी नहीं लग रहा अब तो, ये तो कोई बाहर का कंट्री लग रहा है। मक्खी चाय,
बात मत करो रे मेरे से तुम लोग। ये क्या है, क्या डाल रहे फेंटा? फेंटा तो आप सिर्फ एक बार फेंटा में दही डालकर देखिए, आप ऐसी कमाल की चीज तैयार कर लेंगे जिसे आप बाजार से बहुत ही ज्यादा महंगे दामों में खरीद कर ले आते हो। तो सबसे पहले 200 ml फेंटा क्या लाते हो, उसमें आधी कटोरी दही डालकर उसे अच्छे से शेक कर लेना है। अब इसे मिक्सी के जार में ऐड करना है। ये क्या डाला, सूजी ना है। इसी के साथ हम एक कटोरी सूजी, आधी कटोरी मैदा, सूजी शुगर कितना डाल दिया, हाँ शुगर आई थिंक इट्स अ केक, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 केक में इतनी शुगर जाती है। स्मूथली इसे हमें पीस लेना है। तो पीसे हुए बैटर को हम ग्रीस के में ऐड कर देंगे और उसी पर हम थोड़े से डेकोरेटी के लिए ऐड कर देंगे और इट्स एन एफ इन केक। कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए आई कुक, आई नो। अब हम केक नॉट लाइक दिस डालेंगे और इसे 35 मिनट तक बेक कर लेंगे। केक बनाए टूथपिक से चेक कर लेंगे तो एकदम अच्छे से सोडा, बेकिंग सोडा की जगह पे दे एडेड सूजी फेंटा केक। ये वो केक नहीं, मफिन बोल सकता हूँ इसको, मफिन बनाया है भाई, नॉट बैड। मैं खा के देखूंगा मैडम, मैं खा के देखूंगा, उसके बिना मैं जज नहीं करूंगा, खा के देखूंगा। केक जो की बहुत ही ज्यादा टेस्टी, स्पॉन्जी और घर पे झटपट बना है जिसे आप मार्केट आई विल बी द जज ऑफ दैट, ओके यू डोंट से इट्स ए बहुत ही ज्यादा महंगे दामों में ले आते। ओके फ्रूट वाले मोमोज, आई एम लाइक मुझे अभी केक पसंद नहीं आती है, या सॉरी आई एम डन विद केक्स। वैसे आई लव देसी मिठाई, TMI। मोमोज थोड़ी होगा, मोमोज कैसे बनाएंगे? ओहो फ्रूट सैलेड वाला मोमो। फ्रूट सलाद, आई एम टेलिंग यू ऐसा ही होगा। अच्छा मुझे लगा मोमोज के अंदर फ्रूट रहेगा, क्या बना दिए हो, उनको लग रहा है हेल्दी मोमोज बना दिए हो। बाहर लोग सोच के अरे भाई हम तो, मैं तो फ्रूट वाले मोमोज खाता हूँ भाई, मैं तो हेल्दी आदमी हूँ, फ्रूट वाले मोमोज खाता हूँ। Who want to मोमोज के ऊपर ही मैदा होता है, सोच। दिस इज बांग्लादेश मैन भाई, ये सब पे रोक लगना चाहिए, नहीं लगता है। अरे मधुमक्खी तुम लोगों को क्या है, जाओ ना अपना शहद बनाओ ना, इनका भी शहद चुरा लिया बेचारी, इधर आके बैठ गई चाशनी पीने। नहीं मुझे एक्चुअली नहीं समझ रहा है, लोग सोचते नहीं है या इतना सोसाइटी ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारे खाने पे मधुमक्खियां बैठी है, वो किसी को कोई सोच ही नहीं रहा है मधुमक्खी और किधर बैठ के आई है। पब्लिक टॉयलेट्स में सोच रहा है कोई, नहीं मैं सोच रहा हूँ समाज के लिए, और बांग्लादेश आई स्टैंड। मर गई आदि स्विमिंग थोड़ी करेगी वो चाशनी में। व्हाट हैव आई डन, हलवाई आइसक्रीम की भज्जी, स्ट्रॉबेरी वाली चॉकलेट इडली, मैंगो वाली चॉकलेट इडली, तेल में फ्राई की हुई आइसक्रीम, बहुत ही बेकार है। मैंगो अभी हमें बेंगलुरु के जयनगर में अमरनाथ चाट्स पर, और यहाँ पर ऐसी ऐसी डिशेस मिलती हैं जैसी आपने पहले कभी नहीं देखी हो। मेदू वड़ा तो नहीं, ओनियन रिंग जैसा था आपके पास। मेरे पास आइसक्रीम मोंडा, आइसक्रीम डोसा, आइसक्रीम इडली, बुलेट आइसक्रीम, फ्राइड आइसक्रीम, आइसक्रीम डोसा, सॉरी टू साउथ इंडियंस, इट विल टेस्ट गुड इफ यू ऐड नटेला टू इट लाइक अ क्रेप। बहुत लंबी लिस्ट है, नॉट सॉरी, इट्स टेस्टी, आई हैड इट। ट्राई करेंगे जिनमें से सबसे पहले हम अपने लिए लगवा रहे हैं यहाँ की चॉकलेट स्टफ फ्लेवर्ड इडली। इनके अंदर तो चॉकलेट है और इनके ऊपर डिफरेंट फ्लेवर्स लगाए जाएंगे। अंदर पहले वाली इडली के ऊपर इन्होंने स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर लगाया है, दूसरे वाली इडली के ऊपर लगाया है मैंगो का फ्लेवर, और ये जो तीसरे वाली इडली है इसके ऊपर लगाया जा रहा है। भाई आप लोग से उम्मीद नहीं था, साउथ में ये उम्मीद नहीं था कि साउथ वाले ही खुद इडली खराब करें। ऐसा तो मत करो ना, अभी वो गुजरात वाले देखो ढोकले का टीका बना दिया, इसका भी टीका बना दो। लेकिन इनके पास दुनिया की सबसे यूनिक आइसक्रीम भी मिलती है, और ये आइसक्रीम भी गई तेल के अंदर, आइसक्रीम भजिया मिलता है, नॉट ट्राइड इट। ठंडी चीज तेल में क्यों जा रही है? हाँ तो केले के भजे भी बनते हैं, ठंडी चीज आती है, मैंगो के भी बनते हैं। आदमी आई एम नॉट ट्राइड इट, गर्म है अंदर, जब उसके दांतों पे वो आइसक्रीम लगेगी ठंडी, आई होप वो अंदर ठंडी हो अभी तक। फिर चाहिए सेंसोडाइन, स्ट्रॉबेरी लगा दी है, और ये अंकल स्ट्रॉबेरी सब पे लगाएंगे, अंकल तेरे सर पे भी लगा देंगे स्ट्रॉबेरी, दिमाग खराब किया ना अंकल का, वेरी नाइस। वो पड़ा है उसके पास फ्लेवर, अंकल को यूज करना है कैसे भी करके। तो अगर आपको आइसक्रीम पसंद है और आपको तो ट्राई करना, चीज थोड़ा चीज डाल दो। अब इतना हो ही गया खर्चा, मालिक तो चीज, माय माइंड हैज गॉन क्रेजी, बिल्कुल नया है, मतलब इतना नया जितना आपको कहीं नहीं मिलने वाला। इडली कैसे भी हो, ये जो बुराड आइसक्रीम थी ये बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी।
आइसक्रीम भजिया टेस्ट्स गुड आई थिंक दैट्स इट व्हाट आई गाइस लाइक करो आई टेल यू व्हाई क्योंकि मैं एक जापानीज रेस्टोरेंट में देखी एंड आई हैड समथिंग कॉल्ड टेंपुरा आइसक्रीम बेसिकली दैट इज कोकोनट का आइसक्रीम लेकिन भजिए में आई डोंट नो इट्स अ जापानीज थिंग और यहाँ पे उन लोगों ने खुद बना के जापानीज की तरह बेच रहे बट दैट्स अ वेरी ऑथेंटिक जापानीज रेस्टोरेंट तो आई थिंक हो सकता है बट उसको बोलते हैं टेम्पुरा आइसक्रीम और वो कोकोनट का आइसक्रीम था उसके ऊपर पूरा लेयर है इट्स अ बेसिकली फ्राइड आइसक्रीम भजिया ऑफ आइसक्रीम इट वॉज सो टेस्टी आई थिंक आई हैव अ व्लॉग ऑन इट यही चैनल पे है या फिर मेरी दूसरी चैनल पे है ब्लॉग चैनल पे नॉट श्योर बिकॉज स्टार्ट में आई यूज्ड टू डू व्लॉग्स ऑन दिस चैनल बट आई रिमेंबर टेकिंग माई कजिन्स देयर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हम लोगों ने वो एक छोटे आइसक्रीम के लिए क्या झगड़म झगड़ी किया चार जन ने It was that tasty. So I think I'm getting what he's saying with the bullet ice cream must be tasty. I've had it. I've tried it. It's very tasty. If you have not tried it, I think maybe you should. Zaruri nahi acha lagya. You can try. But you know, I always speak a lot when it comes to street foods and food wala videos. So I'm not apologizing for it. At this point, you should just watch the original video 5 times. Kyunki tumhe pata hai ki kya bolne wale wo. Aur yahan pe sirf mera reaction dekhne ho. Right? Don't come here to see this video. Come here to see me. Right? Because it's a reaction video. Anyway, I enjoyed this. I don't think it was too bad. Is par bahut saare dekh liye, so I don't think this is too bad. Except for one or two things, which were... I couldn't control myself or like... Acha ho gaya mujhe. Baki to... Yeah. But how about going to Surat and actually trying food? I really want to. Hopefully one day. Anyway, I enjoyed. Hope you did too. I'll see you guys next time. Bye, berries. Love you. Mwah.